प्यारे दोस्तों, आज एक बाजार बहुत बड़े पैमाने पर तेजी में है। आप थोड़ा बहुत अच्छी स्टाइल से बोलना जानते हैं तो आपकी दुकान अच्छी तरह से चल सकती है, और ये दुकान है मोटिवेशन की। मैं विरोध नहीं कर रही हूं मोटिवेटरों का, अच्छी बात है किसी को मोटिवेट करना, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहती हूं कि दुकान तब चल रही है ना कि जब खरीदार आ रहे हैं, और जरूरत कब पड़ती है कि जब कोई डिप्रेस है, डिस्ट्रेस है, उदास है, परेशान है, खुद के पास दृष्टि है नहीं, क्या करूं, कैसे करूं। भगवान ने शक्ति तो सबको समान रूप से दी है, दो हाथ दो पैर दो आंखें दो कान, ना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है, एक मंच पर से बोल रहा है, दूसरा सामने कुर्सी में बैठकर उल्लू का पट्टा सुन रहा है। उल्लू का पट्टा मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों कि क्या कभी आपको विचार नहीं आता है कि मैं 4,000 रुपये भरकर मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए जाऊं, इससे बेटर है मैं सेल्फ मोटिवेटर बनूं, मैं खुद को मोटिवेट करूं। कहां गई मेरी ऊर्जा, कहां गई मेरी शक्ति? मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी समझदार हूं, मुझ में भी अकल है, मैं चिंतन कर सकता हूं, लेकिन चिंतन नहीं करना है उसको, बस उसको तो चमत्कार करना है कि मैं जाऊंगा सुनने के लिए मोटिवेशनल स्पीच वॉरेन बफेट फलाना दिन का बस। और ज्यादातर मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे 5-10 नाम अपने आप से बनाकर भी आप अंग्रेजी नाम दे दोगे, लोग हाँ हाँ करेंगे, तालियां बजाएंगे, वाह कितना विद्वान है। मैं रियल में कहती हूँ, एक बंदा है ऐसा बड़ा बदमाश बच्चा है, शैतान बच्चा है दिवांग करके, लेकिन बहुत निकट है मुझसे, तो वो कुछ भी नाम बना देता है, अंग्रेजी में कुछ भी बोल देता है, और पता भी नहीं चलता ये सही है कि गलत, क्योंकि 50 बुक हो या 100 बुक हो मोटिवेशन पर, कौन पढ़ने बैठेगा इतना, कहां कौन से अमेरिकन नाम क्या है, जर्मन नाम क्या है। दोस्तों वेस्की जैसे तो इसकी लगा दो पीछे, इसकी लग गई तो हो गया वो रशियन। तो परिस्थिति ये है कि मूर्ता बढ़ रही है हमारी, हम जब मूड बन जाते हैं, हम जब उदास हो जाते हैं, आत्मदृष्टि जब नहीं होती है, तब इधर भागे उधर भागे, उसको सुनो तो चमत्कार हो जाएगा, उसको सुनो तो चमत्कार हो जाएगा, उसको सुनो। मैं कहती हूँ सुनो सबको, लेकिन उदास होकर मत जाओ, अच्छी बात सबसे सीखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा विषय सिर्फ इतना 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 है। मैं एम्फेसाइज वही बात पर कर रही हूं पर्टिकुलर कि बी सेल्फ मोटिवेटर, आपकी ऊर्जा को प्रॉपर वर्क में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर वर्क में लगाओ। आपका जो वे ऑफ लाइफ है वह राइट है कि रॉन्ग, उसको शांति से अकेले में बैठकर देखो, आपके अंतर में से जवाब आएंगे आपको क्या करना है। और जब आप सेल्फ मोटिवेट होना सीख लेंगे तब मान लो विजेता आप हो, किसी के और के सिखाने से नहीं, यू आर विनर। और उस विनिंग का श्रेय केवल आपको ही जाएगा, और ऐसे क्षण जब आएगी तब आप इतना आनंदित
स्वयं को इतना आनंदित महसूस करेंगे, इतने प्रफुल्लित महसूस करेंगे, इतने ऊर्जावान महसूस करेंगे, इतने उत्साहित महसूस करेंगे कि आपको जिंदगी भर के लिए एहसास हो जाएगा कि मुझ में भी कुछ दम है। दूसरों के श्वास पर जीना ये उपाय नहीं है। ये जो मोटिवेटर सब है वो तो ऑक्सीजन की बोतल के जैसे है। तो ऑक्सीजन की बोतल 24 घंटों साथ में लेकर घूमना, नाक में नलिया डाल के, ये कोई जिंदगी नहीं है। जीवन ये है कि एक्सरसाइज करो, थोड़ा यहाँ से आपकी सोच को थोड़ी क्लियर करो, आपके विजन को थोड़ा क्लियर करो, स्वयं की शक्तियों को स्वयं पहचानो और स्वयं के आत्मा के द्वारा ही स्वयं का स्वप्रकाशित स्वप्रकाशित स्वयं से प्रकाशित बनो। दोस्तों ऐसा जब आप करेंगे, भारत का युद्ध जब ऐसा करने लगेंगे, तब सबसे ज्यादा खुशी मुझको होगी। धन्यवाद।